ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं। इमरान खान को वापस हुकूमत में लाया जाए। स्पेन, जर्मनी, मैनचेस्टर और ब्रैडफोर्ड में मुकीम पाकिस्तानियों ने मुतालबा कर लिया, कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। सब इकट्ठे हो गए हैं, जब पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो चाहे जो भी है, सब ताकतें इकट्ठी हुई हैं कि इमरान खान को इलेक्शन में ना लेके आए। तो खुदा रहा, मेरी इस कौम से गुजारिश है कि आप लोग अपने मुल्क के मफाद के लिए उठ खड़े हों, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि आप लोग फिल फोर जो है वो नए इलेक्शन का ऐलान करें। मैं दाद देता हूँ हर उस शख्स को, हर उस इंसान को जो कि इस मुश्किल दौर में भी इमरान खान के साथ खड़ा है और एक तब्दीली का ख्वाह है। इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम सब ओवरसीज इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान को पसंद करते हैं, क्यों हम पीटीआई को पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें सच की तरकीब दे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।